जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज की। वैसे तो देश के मुखिया माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर लाख बातें कर रहे हो, लेकिन इन सब के पीछे जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने अपने देश को स्वच्छ भारत बनाना है और अपने देश को स्वच्छता में पहले स्थान पर लाना है, जिसके लिए तमाम टीवी चैनलों पर एवं बड़े बड़े विज्ञापन एवं पोस्टरों व स्कूली बच्चों की स्वच्छता का एक संदेश देती हुई बड़ी बड़ी रैलियां निकालकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिनमें हमने कई स्कूली बच्चों द्वारा नारे लगाते हुए भी देखा कि हमें अपने देश को स्वच्छ भारत बनाना है और अपने देश को स्वच्छता में पहले स्थान पर लाना है। क्या ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन होगा? परंतु ये पंक्तियां और यह सारे वादे आज फीके नजर आने लगे हैं। जब इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए SKH न्यूज टीवी चैनल के एक संवाददाता ने इसके लिए सिरसागंज नगर पालिका के पास बने सुलभ शौचालय का जायजा लिया, तो वहां पर गंदगी का एक ऐसा आलम व्याप्त है जैसे मानो वहां बरसों से वहां सफाई नहीं हो रही है और वहां की स्थिति आज तक दयनीय बनी हुई है, जहां लोग गंदगी में ही टॉयलेट करने को बेबस हो रहे हैं। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो रहा है, जब सिरसागंज नगर पालिका के पास के ही सुलभ शौचालय ही गंदगी से व्याप्त होंगे। तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो रहा है? वैसे तो नगर में जितनी भी सुलभ शौचालय बनी है उनमें प्रतिदिन सफाई कराई जा रही है, फिर भी किसी कारणवश सिरसागंज के किसी भी कर्मचारी द्वारा सफाई के प्रति उदासीनता दिखाई जा रही है और मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी और मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को बेकार नहीं होने दिया जाएगा। सिरसागंज से सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सर, जिस तरीके मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत मिशन को लेके, और आप ही के पास में नगर पालिका है आपके पास, जिसके पास एक सुलभ शौचालय बना हुआ है जहाँ काफी गंदगी है उसके अंदर, टॉयलेट रूम के अंदर, इस समय क्या कहना चाहिए? सिरसागंज नगर पालिका के द्वारा जितने भी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय एक बना हुआ है, 3 सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं, प्रतिदिन सफाई करी जा रही है। इसमें एक कर्मचारी सुबह शाम सफाई के लिए लग रखा है, किसी कारणवश वो अनुपस्थित रहा है, निरीक्षण के द्वारा नहीं पाया गया तो उसकी 3 दिन की तरह काट दी गई, लेकिन सिरसागंज के सभी शौचालय स्वच्छ रहते हैं और रहेंगे, क्यों कर्मचारी वहाँ इसी के लिए लगाया गया कि शौचालय को स्वच्छ रखे। और इस तरह की वैसी कोई अगर आगे इस तरह की कोई व्यवस्था पाई तुरंत कार्रवाई करेंगे, कर्मचारी किसी अनुपस्थित बनता है या अपने कार्य में लापरवाही करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, वेतन कटेगा और जिस तरह के कर्मचारी को उसी के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी।